इंसाफ टीम इंडिया में मैं सनी लियोन आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे शहर की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत नसीम कुच्ची साहब हमारे साथ मौजूद है। नसीम कुच्ची साहब शहर अजीज में कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इन्हें कई मरतबा इनकी खिदमत का एतराफ में अवार्ड और ट्रॉफी वगैरह मिल चुका है, लेकिन इनकी शख्सियत को हम चाहते हैं कि जनता भी जाने ताकि इनकी शख्सियत से लोग कुछ सबक हासिल करें। जिस तरह कल हबीब लाउंज में भी एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, उस प्रोग्राम में भी आपके खिदमत का एतराफ किया गया और आपको अवार्ड दिया गया। मोहतरम जनाब, आप कब से सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले हम लोग हमारा अनमोल मेडिकल फाउंडेशन अदारा अनमोल मदीना हॉस्पिटल डॉक्टर इखलाक के ग्रुप से मेडिकल फील्ड में हम लोग कई सालों तक चले। उसके बाद मसाजिद और दैनिक कामों में भी हम लोग 1992 से लगे हुए हैं। 92 से हमारे अदारे से कई देहातों में इमाम की पेमेंट जाती है अदारा अनमोल से, उसी अदारे से हम लोग मुंसलिक हुए दैनिक काम के लिए। फिर 2006 और 7 में हम लोग फैयाज अनमोल है डॉक्टर इखलाक साहब मिलकर हमने मशवरा किया कि हम लोग को मैयत के दूसरे के लिए भी सीखना चाहिए। हम लोग मशवरे में था कि गांव में बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए एक काम है दीनी काम का और कौन के लिए काम का हमने सीखने का एक तहिया किया। फिर उसके बाद हम लोग जमील पुकारे वाले जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी नफरत करे, उनके तवस्सुत से हमने गुस्ल देने के लिए सीखा। 2007 से 8 से हम लोग उनके साथ 2 साल पहले सीखे। फिर 2007 और 9 के बाद से मैं मुसलसल मैयत की सब मिलना उसमें देता था। पावर रूम में मैनेजरी करने के बाद फैयाज अनमोल कुछ दिन हमारे साथ थे, वो हमसे जुदा हो गए। क्या अल्लाह ताला ने उनको मतलब तस्लीम नहीं किया। उसके बाद मैं मुसलसल लगा रहा हूँ, तकरीबन 13-14 हज़ार से गायर मैयत में घुस में दिया हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। उसके बाद जमील पुकारे वाले 2017-18 में इंतकाल हो गया उनका। उसके बाद फिर आमीन इशरत मस्जिद तामीर हुई, वहाँ के जिम्मेदारों ने मुझे बोला कि यार तुम इतना करते हो तो करो कपन सेंटर यहीं डाल दो, आपकी रोजी भी चले खिदमत भी चले। वो सिलसिला चलता रहा कि बहुत दिनों तक मैं अकेला घोसले देता था और फिर रोना वगैरह की जो मुसीबत आई उसमें भी काफ़ी खिदमत की। हमारा मेरा एक ग्रुप था, पूरा ग्रुप लेकर हम चलते थे, काफ़ी खिदमत करे उसमें। उसी तवस्सुत से सबसे पहले बुनकर बेदारी वाले जो थे ये सोहेब मदीना है और कसाब बाड़ा मस्जिद के इमाम जाफर जुल्लू रहमान साहब, मौलाना जुल्लू रहमान साहब और इखलाक बाले मुकादम, इन लोगों के तवस्सुत से सबसे पहले उन्होंने हमको हमारा हमारे को सत्कार किया। आमीन इशरत जनाजा हाल में एक अच्छा प्रोग्राम करके उन्होंने हमारा सत्कार किया। उसके बाद बेहवा संजक कमेटी सलीम शाही की जो एक कमेटी पूरे महाराष्ट्र में थी मेरे ख्याल से, फिर भिवंडी वगैरह में वहाँ से हमको एक अवार्ड मिला। फिर यहाँ सुन्नी मसलक के जो थे डॉक्टर रईस रिजवी है, ये लोग के कमेटी से हमको कई लोगों को वहाँ हमारा सम्मान किया गया, अवार्ड दिया गया, बहुत लोगों ने इज्जत की, दुआएं दी। फिर उसके बाद मेरे को घाट को ऊपर बम्बई से तानिक सरती के तवस्सुत से वहाँ कुछ लोगों ने इज्जत अफजाई की और हमारे यहाँ के वजीर दादा भूसे साहब ने एक अच्छा और बहुत अलीशान प्रोग्राम करके उस नासिस को वहाँ भी अपनी मोहब्बत से और वहाँ भी हमको एक अवार्ड दादा भूसे साहब ने दिए। और कल भी इम्तियाज शेर इशरार शेर गफूर पहलवान सोसाइटी की जानिब से हमारे कई साथियों को हबीब लाइन्स ने 9 सितम्बर को वहाँ भी इज्जत अफजाई की। मेरे कहने पर लोगों ने माँ बहनों को भी वहाँ पर इज्जत और तोहफे से नवाजा। ये बहन की कब आए आपके साथ में इस तरह की खिदमत शहर में करना चाहिए? शुरू से तो खिदमत थी और अल्लाह ताला से इस कर्म से हमारे को थोड़ा सा कौम का एक दर्द दिल में हमेशा रहता था, इसीलिए हमने 2006 में हमारा अनमोल के कुछ जिम्मेदारों ने इन्हें फैसला किया कि भाई हमको दूसरों की नियत से दूसरों देने का सीखना चाहिए। हम लोग सीखे, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से इज्जत अफजाई की बहुत। और देखो ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ये काम अल्लाह ताला मुझसे ले रहा हूँ। और कोरोना के टाइम भी हमने हम लोगों को गैर कौम की भी बॉडी हमने पेश करे हॉस्पिटलों में जाकर, यहाँ अमीन इशरत जनाजा हाल में और नया जनाजा हाल में हम लोग यहाँ पर खेमा बनाए हुए थे, जो मैयत को घर नहीं ले जाने देते थे हम यहाँ घुसने देता उसको दफन करते थे। लोग दुआएं दिए, दवा भी लाला का डॉक्टरों ने दिए कि आप ये लोग खाओ और पैसे भी हमको अल्लाह ताला के तरफ से लोगों ने जबरदस्ती जेब में डाले कि यार नहीं लो आप
मत कर रहे बच्चा साहब को खाना वाले वाले हमको खाना वगैरह भेजते थे। बहुत लोगों ने दुआया की इज्जत की, हमारी बीवी बच्चे सब हमारे पीछे हैरान थे अब, लेकिन बीवी हिम्मत देती थी। शुरू में लॉकडाउन में ऐसा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बार बार नहाना धोना पड़ता था, बीवी बराबर मेहनत हमारे पीछे भी करती थी, वो भी कई जगह कोरोना की मैयत जो फसल देने वाले के साथ जाती थी, कोई नहीं रहता था, मैं उसको तैयार करके ले आता था, लेकिन मैयत को हम घुसल दिए बगैर यहाँ कब्रिस्तान में 1100 बॉडी बाहर की दफन, जो हमारे तवस्सुत से ही जहाँ पर कोरोना की थी बाहर के लोग आते थे हाथ तक नहीं लगाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दी, उसका लाख लाख शुक्र अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया। और बड़े कब्रिस्तान में कोई बॉडी ऐसी बेकर पूछने से कहा मेडिकल फील्ड में भी आप मेडिकल फील्ड में हम लोग डॉक्टर इखलाक साहब की वजह से हमने यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टरों का शुरू में टेम्पो लगाया, मलार देशपांडे है, मयूर साहब सर है, और भी कई ऐसे डॉक्टर हमीर इकबाल साहब है, डॉक्टर वसी साहब है, ये लोगों का सबसे पहला टेम अदारे अनमोल मेडिकल फाउंडेशन से ही हुआ है। और आज तक हमारे जो कई डॉक्टर लोग उनके सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ कि हमारे अदारे के कोई मेम्बर का कोई दवा खाने में कोई कट वगैरह नहीं है। तो डॉक्टर लोग हमको साफ बोलते हैं कि आप हमारी पैतरी मत चढ़ा करो, सिर्फ आप फोन कर दिया करो कि पहला पेशेंट है आपको कितना पैसा देना है, आप सिर्फ बोल के पेमेंट दे दिया करो, बोले आप लोगों की खिदमत है। गाँव के अलावा शहर में कभी सुरक्षा हुआ मसला है, बहुत सारे जो है अपनी जिंदगी से मतलब परेशान हो जा रहे हैं और खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। ये चीज तो बार बार सभी एंटी करप्शन हमारे बहुत अच्छे है और हमारे बहनों भी लगते हैं, इशारे भी लगे रहते हैं, और बार बार हम लोग सोशल वर्कर ग्रुप पूरा बार बार आह्वान से इंतजार करता है कि भाई ये काम अच्छा नहीं, क्योंकि उलमाए किराम फरमाते हैं खुदकुशी का जो मामला है वो कब्रों में रोजाना उसके साथ होता है। तो मैं इसीलिए हम लोग सोशल वर्क हमेशा लोगों को सिविल हॉस्पिटल के मुर्गा खाने के पास से लोगों को इंटरव्यू देते हैं कि भाई कोई आजू बाजू में, मैं आवाम से भी और उलमाए किराम से हम लोग बार बार फरमाइश करते हैं और पड़ोसियों से भी हम गुजारिश करते बार बार आजू बाजू आप तो कोई आपका भाई परेशान है तो उसकी परेशानी को हल करने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ा अजर है, क्योंकि सोशल वर्कर परेशान, मोहल्ले के लोग परेशान, रिश्तेदार परेशान रहते हैं, जरा सी हादसा हो जाता है सब लोग परेशान कई तो इस फील्ड में क्या आपकी मेरा अपना एक कफन सेंटर नसीम खुर्शी के नाम से चलता है, इससे पहले अपंग लोगों का जो मामला है एक बड़ा प्रोग्राम उनका था, मेरे को मधु किया था, इसमें मैंने खुद अपने कफन सेंटर से ऐलान कर दिया हूँ, और हमेशा के लिए जब तक मेरी जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह अपंग लोगों के घर अगर उनके बीवी बच्चों और उनका इंतकाल हो रहा तो मेरी तरफ से कफन फ्री रहे, मैं ऐसा भी ऐलान किया हूँ। ये भी एक मेरी एक खिदमत अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात की, मैं हमेशा तैयार, और यहाँ भी हम लोग गरीबों के लिए जो भी रहता है ना बहुत से रुपया नजरा हमको खोल के रहते हैं, तो कुछ भी रहे कोई गरीब रहे उसका कपन का पैसा नहीं तो बाद में मेरे से ऐसे हाथ से आते हैं बहुत से होता है गरीब को वहाँ कहीं कहीं कपन के पैसे नहीं, लेकिन हम लोग वो कार्रवाई तो पूरी कर देते हैं, कई लावारिस बॉडी हमने दफन करे पाँच पैसा हमको नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ताला उसका अजर हमको देता है। हर कोई किसी न किसी चीज को आइडिया मानता है, किसी न किसी शक्ति से मुतासर होता है, आपकी शक्तियों से मुताबिक है। सबसे पहली बात तो ये लाइन में मेरे को सबसे ज्यादा मेहनत करता जमीन पुकारे वाले वही हमारे बेचारे बहुत मेहनत करे हमारे पीछे पर आज हम इस जगह पर खड़े हुए, तो आज हमारे लिए तो वही सबसे बेहतर है, आज रोजी हमारी चल रही है इसकी वजह से कितना कुछ चल रही है अल्लाह ताला का अजर है। हमारा एक कफन सेंटर है आज तो 23 अगस्त 2018 से जारी है, पूरा हमारे पास ग्रुप है, कई औरतों को गुस्ल देने के लिए सिखाए हमारी जो माँ बहनों उनको सिखाए हैं, यहाँ तक के बाहर भी गए हम सिखाने के लिए, मुफ्ती हमी जफर को लेकर मुफ्ती आसिफ वगैरह एक साथ है, कई जगह जैंटों को सिखाए औरंगाबाद में मटमाल में 40 गाँव में, और कई जगह माँ बहनों को भी गुस्ल भी देंगे, पूरे आस पास देहातों में गुस्ल वाले रहते हैं, हमको खुद यहाँ से माँ बहनों को लेकर जाना पड़ता है, इसीलिए हमारा एक पूरा ग्रुप है, मेरे साथ नदीम भाई है मेरे क्लासन है और फकीर मोहम्मद साहब है जो पुकारे यूनियन के सदर है, असरार भाई है, ऐसे कई साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
अल्लाह करम से मेरे कहने पर वो भी काम अंजाम देते हैं, जगह पर वक्त पर पहुंच जाते हैं, कोई ऐसी तकलीफ मरने वालों को घर नहीं हो पाती। देहातों में भी हम लोग जाते हैं, बेचारे देहात वाले किराया वगैरह गाड़ी का भाड़ा वगैरह सब देते हैं, उनका मनसा सिर्फ ये रहता है कि आप आ जाओ मरियत को सही तरीके से हम लोग दफन करके आते, अल्लाह कबूल करा हमारी मेहनत में। बहुत शुक्रिया, ये थे नसीम खुर्शीद साहब, इन्होंने अपनी खिदमत आवाम के सामने आपके सामने पेश की। तो आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि कोरोना की महामारी के वक्त जब घर वाले अपने रिश्तेदारों के मैयत को हाथ लगाने से कतरा रहे थे, उस वक्त इन्होंने तो उन मैयतों को घुसने दिया, उन मैयतों का तो पूरा मतलब दफन वगैरह के बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए शहर के लिए। ये ऐसे नमूने अगर हमारे शहर में है तो हमारा शहर किसी भी मुसीबत से दुचार नहीं हो सकता। देखते रहिए इंसाफ मीडिया।